चौथा प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। चलिए देख लेते हैं, जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। 4 नंबर, शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो शंकुआकार तंबू की ऊंचाई, शंकुआकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिज्या ऊंचाई, नंबर 1 में तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की दर से की लागत 70 रुपया है। कुल लागत पूछ रहा है, कुल लागत 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कौन सी कैनवास की लागत। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई याद करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं। अब इसका क्या सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, आपको समकोण त्रिभुज पता होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर भी वही होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब वो दोनों दिया ही हुआ है, ठीक है, वो भी रूट के अंदर। आर का मान 24 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच का मान 10 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 का 100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा। अब 500 प्लस 100 हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर, 676 का वर्गमूल आ जाएगा 26 मीटर स्क्वायर का मीटर, त्रिज्या की ऊंचाई 26 आ गया। कुल लागत पूछ रहा है, तो कुल लागत मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 24 मीटर सेंटीमीटर ने एल आया 26 मीटर, तो 22 24 और 26 गुना होगा। चलिए कर देते हैं, 22 चौक 88 बाकी 8, 22 दूना 44 8 52, 528 मीटर गुना 26 मीटर बटा 7, 528 को 26 से गुना कर देते हैं, 528 और 26 मीटर को गुना कर देंगे 13,728 मीटर स्क्वायर बटा 7 आए। देखिए काटने की आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हम बता दें तरीका। 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया खर्च होता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 70 से गुना करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, लागत बराबर 1 × 70, इसीलिए 13,728 बटा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 13,728 बटा 7 गुना में 70 देंगे, ठीक है। 7 से काटिए 10 बार में, 10 से इसमें गुना कर दीजिए, 13,728 था, 10 से गुना कीजिएगा इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, काटते तो भी आंसर इतना ही आता है, ठीक है। आपका आंसर मिला देते हैं, देख लीजिए 13.3 का 4 26 एक नंबर और 2 नंबर आ गया 137,280। देखिए 26 आया है त्रिज्या की ऊंचाई, 137,280 दोनों आंसर मिल गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल अगला।